हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे ये एनसीएल आईटीआई का जो सॉल्व था, तो इसका सॉल्व चल रहा था, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही यूपीपीसीएल आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो टेक अपडेट इससे देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल शुभंकर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसका जो लिंक है वीडियो का उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड इन इंसुलेटिंग मीडियम इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है वो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6, ठीक है, बहुत अच्छा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो गैस स्टेट में आता है। यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल ऑकर्स ड्यू टू। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो ब्रेक सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक मैकेनिकल स्ट्रेस देता है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसके वाइंडिंग, इसलिए ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होता है ना, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आप लोग बनाते होंगे, तो कुछ ठीक है, इस तरह का जो कोर होता है, ठीक है, ये सर्कुलर कोर होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जो टेंडेंशियल पे वर्क करता है वो ऑलरेडी उस कॉइल को सर्कुलर बनाना चाहता है। अगर आप इसको सर्कुलर नहीं बनाए तो उसको क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेटा भी मिसिंग है, मैं मंगाऊंगा, या तो भी डेटा मिसिंग है या तो भी मैं खुद से कम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए, जो डेटा है वो ये सारा डेटा है 250, बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर देखिए कि जो N1 है, ठीक है, जो आप AMF इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पर यूज कर देते तो बहुत अच्छा था। EMF इक्वेशन क्या होता है, E1 दैट इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय 4.44 इनटू F, ठीक है, 4.44 इनटू F इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू BM इनटू एरिया। अभी देखिए, यहाँ पर 3300, यहाँ पर 4.44, यहाँ पर 50, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स मुझे निकालना है, एरिया मुझे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 10^-4। और BM, देखिए BM का मतलब होता है, BM मालूम नहीं है, अप्रॉक्सिमेटली ट्रांसफार्मर BM आप 1.2 मान के चलो, ठीक है, मैक्सिमम जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो 1.8 टेस्ला होता है, लेकिन 1.2 मान के चलो, तो यहाँ पर जो N का आंसर आएगा अराउंड 990 अप्रॉक्सिमेट आंसर आएगा, जो करीब है 924 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, या तो आप कंपैरिजन मेथड पे जाओ, ठीक है, या तो आप कंपैरिजन मेथड पे जाओ कि कंपेयर कर लो, ऐसा कुछ करके कुछ कंपेयर कर लो, या तो कुछ इस तरह से कंपेयर कर लो E1 by E2, कुछ इस तरह से कंपेयर कर लो, और जो एरिया होगा वो तो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कंपेयर करने से भी आएंगे नहीं आएगा, लेकिन आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए ट्रांसफार्मर विद 800 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 सेकेंडरी टर्न्स सप्लाई फ्रॉम 100 वोल्ट एसी सप्लाई, कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज। E1 बाई E2 मतलब N1 बाई N2, और इसका E1 कितना आता है 800 बाई यहाँ पर जो 200 और यहाँ पर 100 और यहाँ पर X, तो X आपका आएगा कितना 204 The transformer 800 primary turns and 200 secondary turns is supplied from a 100 volt DC supply, calculate the secondary voltage. ठीक है, तो यहाँ पर 200 for 800 4, यहाँ पर 100, so X का आएगा 100/4, ठीक है, जिसका आएगा 25 volt. यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 देख लेते हैं, 25 में ट्रांसफार्मर विद 800 primary turns and 200 secondary turns supplied from a, एक ही क्वेश्चन है क्या,
सब कैलकुलेट होता है वोल्ट पर टर्न। वोल्ट पर टर्न का मतलब क्या होता है, देखिए वोल्ट पर जो होता है V1 by N1 that is equals to V2 by N2 हर वक्त सेम होता है, और V1 जो होता है देखिए V1 जो होता है वो है वोल्ट पर टर्न। वोल्ट का मतलब 100 और टर्न से 800, तो 100 by 800 ठीक है, और जो उसका रिजल्ट आएगा 0.125। 25 kV ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज रेशियो ऑफ 3300/400, कैलकुलेट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट। तो करंट कितना आएगा, करंट आएगा 3300 डिवाइडेड बाय 3300, 25 kVA डिवाइडेड बाय 3300, सॉरी करंट आएगा kVA बाय वोल्टेज, ठीक है kVA बाय वोल्टेज, यहां पर √3 नहीं आएगा, मैं सिंगल फेज मान के चल रहा हूं, ठीक है मैं सिंगल फेज मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर कितना है 3300 जिसका आंसर आएगा, यार अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटर ले लेते हैं, 7.57 ठीक है। और अगर यहाँ पर आप 25,000 करके लेकर लो, और वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट, 62.5 आएगा यहाँ पर, ठीक है 62.5 है ये वाला आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लैमिनेटिंग, तो लैमिनेशन क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को मिनिमाइजेशन के लिए लैमिनेशन किया जाता है, तो एडी करंट लूप छोटा हो जाता है और इसमें लॉसेस कम आता है। और आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहां पर होता है, कोर पे आयरन लॉस होता है, ठीक है मेन जो होता है वो कोर पे ही आयरन लॉस होता है। अंडर नो लोड कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज नेग्लिजिबल, तो अंडर कौन सा लॉस में इज नेग्लिजिबल है लॉसेस, तो यहां पर मैं जो आंसर कहूंगा कि नो लोड पे कॉपर लॉस बहुत कम होता है, ठीक है नो लोड पे कॉपर लॉस बहुत कम होता है, ठीक है क्योंकि करंट नहीं है होता है सेकेंडरी का। 30 में देखिए कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर ऑकर्स, कॉपर लॉस कहां पर होता है, मेनली वाइंडिंग पे ही कॉपर लॉस होता है ना, ठीक है वाइंडिंग पे ही कॉपर लॉस होता है, ठीक है और कोर पे आयरन लॉस होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आगे देखने के लिए तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि देखिए आपको टेक अपडेट पढ़ना है, और टेक अपडेट एंड और सारा प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, तो जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पर नया वीडियो मिल जाएगा, वहाँ उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, और इसका पूरा सॉल्व हम लेके आएंगे।